दोस्तों, ट्रेन में अक्सर आप यात्रा करते होंगे और इस दौरान टीटी आपको टिकट भी चेक करता होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रात 10 बजे के बाद ट्रेन में टीटी आपका टिकट चेक नहीं कर सकता। अगर ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं और रात को 10 बजे के बाद टीटी आपको डिस्टर्ब करता है तो आप उसको मना कर सकते हैं। रात 10 बजे के बाद आराम कर रहे पैसेंजर को उठाकर उनका टिकट चेक करने का अधिकार टीटी के पास नहीं होता। आइए जानते हैं कि भारतीय रेलवे में ऐसे कौन से नियम हैं जो यात्रा करने के दौरान यात्रियों को पता होने चाहिए। तो दोस्तों, नियम बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी जानकारी और फैक्ट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नियम नंबर वन, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और रात को 10 बज चुका है तो सुबह तक टीटी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर कोई टीटी रात को 10 बजे के बाद आपका टिकट चेक करने के लिए आता है तो आप उसे मना कर सकते हैं। नियम नंबर दो, अगर दोस्तों ट्रेन में यात्रा से जुड़ा यह नियम आपको ज़रूर जान लेना चाहिए, रात के वक्त में ट्रेन के डिब्बों में नाइट लाइट के अलावा सारी लाइटें बंद करनी होती है क्योंकि इससे यात्रियों को सोने में डिस्टर्ब हो सकता है। नंबर थ्री, अगर आप अपने ग्रुप के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आप रात को 10 बजे के बाद आपस में बातचीत नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि बातचीत से शोर से अन्य यात्रियों को समस्या हो सकती है। फोर, ट्रेन में अगर आपकी बर्थ नीचे वाली है और साथी यात्री बीच वाली बर्थ सोने के लिए खोलना चाहता है तो आप उसे मना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये रहे कुछ नियम जो कि ट्रेन यात्रा को लेकर थे, जिसको आपको जानना ज़रूरी था ताकि आप यात्रा के दौरान अपने नियमों को जान सकें और किसी को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी और नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।